हेलो। हाँ पीबा बोल, क्या हुआ? हाँ शिवी, तेरे पास मेरा आईडी कार्ड है क्या? तेरा आईडी कार्ड नहीं, मेरे पास तो नहीं है। और बता क्या चल रहा है? ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रही है? हाँ कर रही हूँ अटेंड, बाकी सब अच्छा चल रहा है। बस सुबह से मैं आईडी कार्ड के लिए परेशान हो रही हूँ, पता नहीं सब क्या कर रहे हैं। यार मम्मी आप यहाँ बैठी हो, वहाँ देखो आपकी लड़की चिल्ला रही है। ओफो, तुम लोगों को भी ये टाइम मिलता है आने के लिए? देख रहे हो ना, अभी मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ बच्चों की। वो दीदी का आई कार्ड गुमा, आपने देखा क्या? मुझे नहीं मालूम कहाँ है आईडी कार्ड, और अब आना भी मत मेरे पास। हाँ तो बच्चों का हम कहाँ थे? मौसी, ओ मौसी, मौसी। हाँ क्या कर रही हो यार? अरे बेटा मैं कोरोना की दवाई देख रही हूँ। दीदी का आई कार्ड नहीं मिल रहा? कौन सी आईडी? अरे यार मौसी, वो दीदी का आई कार्ड ढूंढ गया, आपने देखा क्या? क्या आईडी? पूरे घर में इधर उधर आईडी ढूंढ रहे हो, तुम्हें काम क्या है आईडी का? इतनी बड़ी वैश्विक महामारी चल रही है कोरोना, बाबा जी इतना अच्छा इलाज बता रहे हैं कोरोना का, इलाज है तू भी मेरे साथ देख ले। देख बाबा जी हल्दी नमक मिर्ची लौंग इलायची सब मिलाकर दवाई बनाना सिखा रहे हैं। ये तुम्हारे बाबा सब्जी बनाना सिखा रहे हैं कोरोना की दवाई? रहने तो यार मौसी, आप लोगों से बात करना ही बेकार है, मैं जा रहा हूँ चाचू के पास, उनको मालूम होगा। अरे चाचू आपने वो फीवर दीदी का आई कार्ड देखा क्या? पूरे घर देख लिया, मिल ही नहीं रहा। नहीं मैंने तो नहीं देखा, क्यों अभी चाहिए? लॉकडाउन तो 3 मई तक है ना, कॉलेज भी उसी के बाद ही खुलेगा। यार अब वो सब तो मुझे नहीं मालूम कि उनको आईडी कार्ड क्यों चाहिए, पर वैसे अभी आप ये बना क्या रहे हो? यार ऐसा मास्क बनाने का यूट्यूब वीडियो देख रहा हूँ ताकि मास्क बनाना सीख जाऊँ। तुझे भी ऐसा चाहिए ना, तुझे भी बना कर दे दूंगा, आगे ले जाना। हाँ ठीक है, मेरे लिए भी बना देना, पर अभी पहले आई कार्ड तो ढूंढूं मैं यार, पता नहीं कहाँ रखा होगा। निशान भैया से पूछता हूँ, दीदी का आई कार्ड गुमा, आपने देखा क्या? नहीं मेरे पास तो नहीं है, शायद पवन के पास होगा, जाओ जाओ उससे जाके पूछो। अच्छा चलो ठीक है, मैं उनसे पूछ लेता हूँ। बाकी वैसे अभी आप ये क्या कर रहे हो? आप भी मेरे साथ चलो ना, ढूंढने में मदद कर दो। अरे अभी भारत सरकार ने एक नया ऐप लॉन्च किया है आरोग्य सेतु, जिससे हम कोरोना के संक्रमण को रोक सकते हैं, उसी को डाउनलोड कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। चलो ठीक है, वो सब तो ठीक है, मैं पवन भैया से पूछता हूँ, उनके पास जरूर होगा आईडी कार्ड। आप क्या कर रही हो? अरे कुछ नहीं यार, बस टीवी देख रही हूँ। अरे वो भी गौरव आया था, पता नहीं कोई आईडी वाईडी का पूछ रहा था। पूरे घर में भटक रहा है पता नहीं क्यों। बाबा जी इतनी अच्छी दवाई दिखा रहे थे, मैं दवाई भी नहीं देख पाई। अब तो राम ही बचाए इस महामारी से। अरे ये फेक न्यूज वगैरह सब बकवास है, कोई भी ऐसा कह रहा है कुछ भी बोल के चले जाएगा और आप भरोसा करोगी क्या? कोई अच्छी साइट देखा करो और वहां से न्यूज देखा करो। अरे पवन भैया आपने वो फीवर दीदी का आई कार्ड देखा क्या? अरे हाँ मुझे मिला था, तो कहीं रख दिया था। कहाँ रखा था? अरे वो आपके पीछे टंगा हुआ है। अरे हाँ यार यहाँ पे तो टंगा हुआ है, पूरा घर छान मारा और ये आईडी कार्ड यहाँ मिला। चलो किससे हूँ। अरे दीदी ये आई कार्ड वो फीवर दीदी को दे देना। ये लो अपना आईडी कार्ड। पर पहले ये बताओ ये तुम्हें अभी क्यों चाहिए? अभी तो कॉलेज बंद है ना। अरे वो मुझे इसलिए चाहिए था क्योंकि अब ये मुझे चाहिए ही। देखो
बाहर तो जाना है नहीं। अगर ये घूम गया तो कहीं आप सब परेशान ना हो जाओ इसलिए। चलो आखिरकार इनका आईडी कार्ड मिल ही गया, पर कितनी परेशानी हुई ना यार कि मैं सो ही नहीं पाया और पूरा घर परेशान हो गया था। पर इस टाइम इससे भी बड़ी समस्या का सामना हमारे पुलिसमैन, डॉक्टर्स, सफाई कर्मचारी और जर्नलिस्ट कर रहे हैं कोरोना से लड़ने के। अब हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके लिए घर में रहें, अपने काम को भी ना भूलें, हो सके तो वर्क फ्रॉम होम करें। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय की बताई गई बातों का पालन करें। और हाँ, फेक न्यूज से खुद को बचाएं और फेक न्यूज बिना सोचे समझे फॉरवर्ड ना करें। बाहर जाएं तो मास्क जरूर लगाएं और फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें। नियमों का पालन करें और गरीबों की मदद करें। इस लॉकडाउन में आप अपने परिवार वालों के साथ रहें, उनसे बातें करें। कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से लड़ना है। और आखिरी में चलते चलते आप सबसे एक बात शेयर करना चाहूंगी कि इस शॉर्ट मूवी को बनाने के दौरान हमने लॉकडाउन के सभी नियमों का पालन किया है और इस मूवी को बनाने के दौरान कोई भी अपने अपने घरों से बाहर नहीं निकला है। तो इस मूवी के माध्यम से एक संदेश ये भी देना चाहती हूँ मैं कि आज के इस कठिन समय में हम लोग दूर बहुत हैं लेकिन दिल से साथ हैं। और लास्ट में आपको यही संदेश देना चाहती हूँ, अपने घरों पे रहें, सुरक्षित रहें। उम्मीद है आपको हमारा ये छोटा सा प्रयास पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। Thank you.